अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अब जिस बंदे की मैं आईडी सर्च करने वाला हूँ ना, इस बंदे भी आपके भाई ने किया 1v8, मतलब इनकी स्क्वाड में पहले 1v4 किया है एंड उसी मतलब बिल्डिंग के अंदर 1v8 भी किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड उसके साथ यार मैं 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं गेम प्लेस प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह दोबारा से प्रॉपरली अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर मैं बगी लेके जा रहा था एंड मुझे बिल्डिंग से फायर वगैरह की आवाज़ आती है, तो मैं सोचता हूँ यार जाना तो है ही अपार्टमेंट में, क्यों ना थोड़े स्टाइल में जाया जाए। तो अब आपका भाई यहाँ पे स्टंट मारने की ट्राई करता है। एंड स्टंट मारने में मैं पूरी तरह से नाकाम हो जाता हूँ। खैर मैं जैसे ही बिल्डिंग में आता हूँ ना, मुझे सामने से बंदे के फुटस्टेप आते हैं। भाई साहब क्या रिफ्लेक्स मारा इस बंदे ने, ये बंदा मुझे 10 HP कर देता है। अब यहाँ पे मैं अपने आप को हील अप करता हूँ एंड इन बंदों के साथ मैं यहाँ पे प्रैंक करने वाला हूँ। अब तो सबको पता ही होगा कि यार जंप फिस्ट करके जाओ ना तो आपके फुटस्टेप नहीं आते, एंड यहाँ पे मैं इनके साथ वही ट्रिक अप्लाई करूंगा। इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा मैं इनके पीछे से आ जाऊंगा। आइए गाइज, अरबियों को प्रैंक करके मारने का बिना एक अलग ही मजा है। खैर अभी आप लोग जिस आईडी पे मुझे खेलते देख रहे हो, मैंने कोई अपनी आईडी वाईडी सेल नहीं की, असल में मैं और वाले से वो खेल रहे थे तो हमने एक अरबी को नेट किया एंड उसने मेरा मैरिट डाउन कर दिया, तो मेरी मैचिंग नहीं हो रही थी इसलिए मैं अपने दोस्त की आईडी से आ गया। खैर मेरी बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा होता है, पहले मैं इस पर नेट करने की ट्राई करता हूँ। ओके गाइज, ये वही बंदा है जिसकी मैं आईडी सर्च करके आपको दिखा रहा था। खैर जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, इसके बाकी 3 टीममेट सीधा रश करा देते हैं। आइए गाइस, अब इन लोगों में से किसी के पास कार्ड वगैरह था इसलिए ये लोग ऑल डेड नहीं होते। खैर इसी के साथ कर दो वीडियो को लाइक अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, एंड अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब भी करते जाना प्लीज़। एंड इसी के साथ इन बंदों को मैं कर देता हूँ फिनिश। अब इन बंदों को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी लेके निकलने लगता हूँ ना, मुझे बिल्डिंग में से एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं। एंड ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल होता है, शायद से कोई मेरी तरह का सोलो स्क्वाड प्लेयर था। सीन चेक करो। भाई भाई क्या बंदा मार रहा है, जल्दी से मैं ऊपर आता हूँ एंड नेड मैच लिख करा देता हूँ ताकि ये बंदा मेरे पे रश ना करे। ऐसे बंदे के साथ फाइट लेने के लिए ना आपकी हील का होना फुल जरूरी है। यहाँ पे मैं अपने आपको बूस्ट अप करता हूँ एंड दोबारा से इस बंदे के साथ फाइट लेते हैं। आइए गाइज, अब इस बंदे को मारते ही अपार्टमेंट हो जाते हैं क्लियर एंड गेम का असली मजा अब स्टार्ट होने वाला है। अब की जो बाकी फाइट्स है ना, मैं और वालिन साथ में लेने वाले हैं एंड काफी ज्यादा मजे की फाइट्स होने वाली हैं। बिल्कुल ही ना, मतलब एक टाइम में तो हमें लग रहा था हम लोग डेड होने वाले हैं जोन के बाहर, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सामने दो दो स्क्वाड लाड़ी होती हैं तो हम लोग भी उनकी मदद करते हैं, एक स्क्वाड को सैंडविच करके खत्म करते हैं और दूसरी स्क्वाड पे सीधा पुश करा देते हैं। आइए गाइज, यहाँ पे दो ही बंदे होते हैं, इधर मैं फालिन को बचा लेता हूँ लेकिन असली मजा अब आने वाला है। अभी जिस स्क्वाड को हमने पीछे से सैंडविच करके ऑल डेड किया था ना, उन चारों बंदों के पास रिकॉल होता है एंड अब वो चारों बंदे सीधा इधर ही लैंड करने वाले हैं एंड काफी ज्यादा मजे का सीन होने वाला है। ओ भाई साहब, फालन स्टार अल्लाह की कसम 1 HP है, जल्दी आप बचा ले मुझे भाई, मेरे 16 किल है, अगर तूने मार दिया इसको मेरे 16 किल हो जाएंगे, मेरा गेम प्ले बन रहा है, किसी भी तरह मुझे बचा ले। अब यहाँ पे एक नहीं दो दो बंदे होते हैं एंड अब फालन का 1v2 वाला सीन होने वाला है। ये बंदे सीधा फालन पे अग्रेस करते हैं एंड थोड़ी लंबी फाइट भी जाने वाली है। खैर यहाँ पे फालन इन दोनों बंदों को निपटा देगा एंड मेरा गेम प्ले भी बचा लेता है। यहाँ पे मैं रिवाइव वगैरह लेता हूँ एंड रिवाइव करने के बाद इतना ही टाइम होता है कि हील करें एंड जोन में जाएं।
लेकिन यहाँ पे हम दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम लोग जोन भी जा रहे हैं ना, जोन के बहुत बाहर भी हैं, अगर हमने एक दफ़ा फायर सुन लिया ना तो हम लोग कहते हैं कि यार इन लोगों ने आपस में लड़ मर जाना है, इनके किल्स तो लेके जाओ। ऐसे ही होता है, जोन जा रहे होते हैं लेकिन साथ ही लेफ्ट साइड पे फाइट जा रही होती है, तो हम दोनों आते हैं सीधा गाइड लेके। पहले डिसाइड करते हैं कि घरों में चले, घरों में थोड़ा कैंपिंग वाला सीन हो जाता है, लंबी फाइट होती है, सीधा हम रिच भी आ जाते हैं एंड पहले डिसाइड करते हैं कि रिच वालों को क्लियर करते हैं। रिच पे एक ही बंदा होता है, इसको यहाँ पे मैं आराम से मार देता हूँ एंड घरों में फाइट जा रही होती है, तो मैं आईडीएस खोल के बैठ जाता हूँ कि शायद मेरे भी नसीब में कोई किल आ जाए एंड ऐसे ही होगा, एक किल यहाँ पे मैं ले लूँगा। पता नहीं कौन सी टीम का बेचारा आखिरी बंदा यहाँ पे मैं ऑल आउट करने वाला हूँ। अब इस बंदे को मारने के बाद सिर्फ एक ही बंदा बचता है पीछे, तो चलो यार निपटाते हैं उस बंदे को भी। खैर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पालिन अकेले इस बंदे को निपटा देता है। अब जोन जाना होता है उस साइड, मैं सारे बंदों के पास जितनी फर्स्ट एड होती है ना सारी उठा लेता हूँ एंड सारी की सारी यूज़ भी हो जाएंगी। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, सीन चेक करो किस तरह से हम जोन पहुँचे। भाई साहब हमारे जोन में आने तक सिर्फ दो ही बंदे बचते हैं एंड हमारा कैसे होता है, सामने ड्रॉप की साइड ही बंदे होंगे एंड ऐसा ही होता है। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो अगर अब तक लाइक नहीं किया। मिलते हैं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।